एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना साड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। और मैं साड़ी निकाल रही थी और वहाँ पे इतनी साड़ियाँ निकली। और अभी मेरे दो सूटकेस और रखे हुए हैं साड़ी के, जो कि सबसे ऊपर वाली अलमारी में है। और लिटरली फिज़िकली मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उन्हें निकालती, कि क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। मैंने अपनी पूरी, मतलब जो बेड के अंदर थी वो वाली साड़ियाँ निकाल ली हैं और जो कुछ अलमारी में रखी थी। ऑल दो मुझे सारी साड़ियाँ हैं वो अलमारी में रखनी है, मतलब अपने पीछे वाले रूम में, जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था। तो ये सब साड़ियाँ मुझे अरेंज ही करनी है दोबारा से, क्योंकि मेरा ये वाला रूम रिनोवेट हुआ है। तो यहाँ पे कबर्ड की, यहाँ पे जितनी भी स्पेस है मैंने अपने वेस्टर्न वेयर रख दिए हैं और वहाँ पे अब मैं अपने इंडियन वेयर रखूँगी, मतलब उस रूम में। तो अभी तक मैं कैसे रखती थी, ये है वैक्यूम बैग। इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें है टोटल 5 साड़ियाँ, यू कैन सी दिस बैग। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी साड़ियाँ एक जगह पे स्टोर हो जाती हैं। अब मैं इसे यहाँ से हवा भरते हैं, मतलब हवा सक करते हैं सक्शन वैक्यूम क्लीनर के थ्रू। तो अब मैं इसे देखिए खोलूँगी और इसमें से जो इसकी सारी जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। ये देखिए इसकी हवा निकल गई है। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहती हूँ, मुझे साड़ियों के कपड़ों की कोई भी नॉलेज नहीं है कि ये कौन सा कपड़ा है या क्या है। मैं सिंपली आपको अपनी साड़ियाँ दिखाऊंगी और साड़ी कलेक्शन का सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा, जिसमें मैं अपनी दूसरे जगह पर जो साड़ियाँ रखी हैं वो डालूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ, और जो ऐसी साड़ियाँ होंगी जिसे मैं थोड़ा आपको रैप करके दिखा सकती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि फिज़िकली इतनी सारी साड़ी पहन के दिखाना पॉसिबल नहीं है, लाइक लिटरली नॉट पॉसिबल। और इन्हें खोलना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए, और फिर मुझे इन्हें बाद में फोल्ड भी करना पड़ेगा। और इसमें से बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मेरे हस्बैंड ने दिलाई हैं, कुछ मेरी मम्मी ने दिलाई हैं और कुछ है जो मुझे शादी में मिली थी। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड ने जो मुझे दी है उससे शुरुआत करेंगे। ये है 2-3 कलर में और ये बहुत ही प्रिटी साड़ी है, लिटरली ये बहुत ही प्रिटी है। और ये नेट की साड़ी है, हाँ। तो ये है मेरे हस्बैंड की दी हुई साड़ी और ये हम लोगों ने ली थी नागपुर से। नागपुर आई थिंक साड़ी के लिए फेमस है, वहाँ पे एक मार्केट थी जिसका मुझे नाम नहीं याद है। ये मैंने 2013 में ली थी और ये है पहली साड़ी, और ये साड़ी बहुत ही अमेजिंग लगती है पहनने के बाद। जो मेरे हस्बैंड की दी हुई साड़ी है उससे बहुत सारी स्टोरी कनेक्टेड है, लाइक कहीं कुछ हुआ था। तो ये नाग से ली थी मैंने, और ये वाली साड़ी है 2014 की दिवाली में ली थी मैंने ये साड़ी। यू कैन पहले देखिए ये है इसका पल्ला। जब आप पल्ला सेट करते हो तो आपको इस तरह से सेट करना है कि जो नेक पीस है ये आपके नेक के पास आता है। और ये साड़ी भी पहनने के बाद बहुत अमेजिंग लगती है, बट इस साड़ी को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा रिच चाहिए। ये साड़ी मैंने मिनिमम दो बार पहनी है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी है, लाइक लिटरली बहुत हैवी है। ये फुल नेक में है। तो मैं काफ़ी साड़ियाँ नेक में लेती हूँ। तो ये है दूसरी साड़ी। तीसरी साड़ी है वो भी मैंने 2014 में ली थी और करवा चौथ पे ली। तो ये साड़ी है, ये भी करवा चौथ पे दी थी। आई थिंक ये साड़ी तो आपने मुझे पहने हुए देखा है, बनती है उसका कपड़ा है ये। ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, ये प्लेट्स का कपड़ा है और इसके पल्लू में फिर से नेट है और इसका ब्लाउज पीस बहुत अच्छा है। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई है। चौथी साड़ी भी मेरे हस्बैंड ने दिलाई है मुझे और ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। ये है पर्पल और कैमरे में इसका कलर कुछ अलग दिख रहा है, हाँ। तो ये देखिए ये साड़ी भी ऐसी है, मतलब ये पूरी साड़ी इसी कपड़े में है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है ये भी। अब मैं आपको कपड़े की डिटेलिंग दे सकती, मैंने आपको पहले ही बताया था।
तो इसमें है ये, और इसका जो ब्लाउज है बहुत अच्छा है, और इसमें जो मेन पार्ट है वो भी है इसका पल्लू, और इसका जो पल्लू है इसका पल्लू भी नेट का है। ये देखिए, और साड़ी थी जो मैंने लिटरली नहीं पहनी है, लाइक एक भी बार नहीं पहनी है, और वो है ये साड़ी। इस साड़ी का पल्लू ये है, और इसकी जो मतलब बांधनी पैटर्न बोलते हैं इसे, मुझे नहीं मालूम। तो ये इस उसमें है, और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है, मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छी है वो है ये देखिए, जब हम इस साड़ी को पहनते हैं, उल्टी, हाँ, जब हम इस साड़ी को पहनेंगे तो ये आएगा इसका पोर्शन, ये देखिए। तो ये पैटर्न है इस साड़ी का, लहंगा साड़ी भी नहीं है बट ऑलमोस्ट वैसी साड़ी है ये। मेरे पास काफ़ी ऐसी साड़ी है जो मैंने पहनी भी नहीं है। साड़ी एज ए नॉर्मल है बट प्यारी बहुत है ये भी। ये मैंने सब एक एक बार, शादी के बाद 1 महीने तक साड़ी पहनते हैं तब पहनी है, उसके बाद मैंने इन्हें हाथ नहीं लगाया है, लिटरली हाथ नहीं लगाया है। ये तो मुझे याद है, हम लोग शादी के बाद किसी मंदिर गए थे, उस टाइम में मैंने 2-3 घंटे के लिए पहनी थी, और उसके बाद मैंने इसे छुआ भी नहीं। तो यू कैन सी ये भी कितनी प्रिटी है। तो ये फुल ऐसी ही है बट बहुत प्यारी है। ओ माय गॉड, मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे पास ये सब साड़ियाँ रखी हुई हैं। हाँ, तो ये है। उसके बाद है ये ग्रीन साड़ी, ये भी शादी की साड़ी है, ये भी काफ़ी हैवी है। ये मेरे को याद है, ये मैंने पहनी थी, मेरे को सारी साड़ी याद है क्योंकि मैंने एक ही बार पहनी है। ये मैंने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की सगाई थी तो यहीं पे थी पास में, तो मैंने पास ही के लिए इसे आई थिंक 3-4 घंटे के लिए पहना था, और एक मेकअप ट्यूटोरियल के लिए पहना था अभी के। तो इसका जो पल्ला है वो है इस तरह से, पूरा भरा हुआ पल्ला है इसका, तो ये ग्रीन कलर है और इसका पूरा पल्ला है वो भरा हुआ है, और फिर उसमें डॉट पैटर्न में वही प्रिंट है जो पल्ले पे है, पर पल्ले में ज़्यादा प्रिंट है। तो ये सेमी नेट है अगर मैं बोलूँ तो, इसकी प्लेट्स में ये डिज़ाइन है। रेड साड़ी बहुत ही सिंपल सिंपल साड़ी है, और ये देखिए सिंपल साड़ी है, इसमें स्टोन वर्क है, और आई थिंक पल्ले में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क होगा, बट ये कहीं जाके पहनने के लिए, मतलब कहीं जैसे आसपास छोटा फंक्शन है कुछ है और आपको हैवी साड़ी कैरी नहीं करनी है, और थोड़ी अच्छी भी लगनी चाहिए साड़ी, तो उसके हिसाब से। सिल्क साड़ी मेरे पास आई थिंक सिर्फ एक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं सिल्क साड़ी संभाल सकती हूँ, क्योंकि मैं यही नहीं संभाल पाती हूँ। मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक डर घूमता है, और वो डर ये होता है कि कहीं साड़ी खुल ना जाए। तो ये है उसका पल्ला, पल्ला पल्ले में ज़्यादा स्टोन है। तो ये हुई हमारी एक और साड़ी। उसके बाद ये साड़ी है, ये साड़ी ऐसी है जो मैं इसे कभी पहनना नहीं चाहूँगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी पहनना चाहूँगी। इसे प्रेस पे देना पड़ेगा क्योंकि ये अनप्रेस है, बट मैं इसे कभी नहीं पहनना चाहती, क्योंकि इसी का एक ऑरेंज कलर था मेरे पास जो मैंने अपनी मम्मी को दिया है अभी, क्योंकि मेरे को पता है मैं नहीं पहनूंगी, और मेरी मम्मी के पास भी एक सेम इसी कलर की साड़ी थी। आई डोंट नो कि 2012 में ये साड़ी चली थी और किस किस के पास होगी। कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, वो साड़ी इसे देना है प्रेस पे बिकॉज इसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद मैंने एक मेरे पास आई थिंक इसे ये सिल्क है या क्या है नहीं मालूम मुझे, आई रियली डोंट नो, और मैंने इसे पहना भी नहीं है, इसका तो ब्लाउज़ भी तैयार नहीं है। ये देखिए बॉर्डर वाली, अच्छा है कि मैं इन साड़ी को वैसे मैं इसलिए निकाल रही थी ताकि मैंने जमा पाऊँ, और जो भी जिसका भी जो भी काम होना है उसका वो काम करा पाऊँ। इस साड़ी को मुझे नहीं मालूम है इस साड़ी में ऐसा क्या है क्या नहीं है, ये साड़ी ऐसी है जिसे मैंने मल्टीपल टाइम पहना है। मुझे येलो कलर पसंद है आई थिंक, जो मैं टॉप में नहीं पहनती हूँ। तो
पता है इसमें ये हल्की है और ये कलर शायद मुझ पर खिलता है। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसमें एक शाइन भी है कपड़े में। तो ये देखिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साड़ी। ओह माय गॉड, ये ह्यूजली लंबी वीडियो है। ये है रेड और ग्रीन साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्लेन सिंपल साड़ी है बट मुझे बहुत पसंद है। आप देखिए, ये देखिए इसका जो ब्लाउज है वो इस कलर का है, मतलब ये ग्रीन पूरा इसका जो बॉर्डर है वही इसका ब्लाउज है। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये मतलब इसे पहनने के बाद जो गेटअप आता है ना वो अमेजिंग आता है। ये है इसका ब्लाउज। ओह माय गॉड, ये मेरे बचपन की साड़ी है। ओह माय गॉड, ये मेरी मम्मी ने मुझे आई थिंक जब मैं 14-15 साल की थी उस टाइम पे दिलाई थी, और जब मेरी शादी हुई ना, आई फीलिंग सो इमोशनल। हाँ, जब मेरी शादी हुई उसके बाद क्या होता है, शादी में पुराने कपड़े नहीं देते, ऐसा रिचुअल होता है, पर मेरी मम्मी ने बोला था कि मैं दूंगी। तो जब मैं शादी के बाद गई थी घर तो उनने मुझे ये बोला कि लो। तो ये मेरी बचपन की याद है। ये पीच कलर है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, मतलब बहुत ही प्यारी साड़ी है। मुझे नहीं लगता मुझे इसका ब्लाउज आने वाला है, क्योंकि 15-16 साल वाला ब्लाउज। तो फिर मैंने क्या सोचा है कि मैं इसका एक ब्लाउज लूंगी जो कि होगा गोल्डन कलर, सॉरी जो कि होगा सिल्वर कलर का, और वो बेसिकली पूरा मतलब सिल्वर और थोड़ा बहुत मैं काम कराना चाहूँ अगर बाजुओं पे, या सिंपल मैं उसे बैकलेस या कुछ बनवाना चाहूँ, उसके बाद इस साड़ी का गेटअप बहुत प्यारा आएगा। थैंक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। हम इस साड़ी पे, ये है पिंक साड़ी, आई डोंट नो इनमें इतनी सिलवटे कैसे हैं। और ये साड़ी भी बहुत प्यारी है। इस साड़ी को, ये पिंक कलर है बट ये थोड़ा डल पिंक है, मुझे कलर तो समझ में नहीं आ रहा ये थोड़ा डल पिंक है या कौन सा कलर है। तो इसे पहनने के बाद ऐसा कुछ लगता है आपको। ये पर्पल दिख रही है पर है पिंक, मेरे को नहीं मालूम क्यों। तो ये है, ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो क्यों। और इस साड़ी को मैंने आई थिंक 2 से 3 बार पहना है, इसको ही पहना है मैंने। के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साड़ियों का बैच। ये है फुल नेट, इसका ये ब्लाउज है और ये फुल नेट है, बहुत ही लाइट। मुझे पहले बहुत ज़्यादा नेट नेट पहनने का, पहले बहुत नेट चलती थी बट मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ये फुल नेट में है येलो साड़ी, बहुत, और ये साड़ी बहुत ही लाइट है, मतलब देखिए अब यहाँ पे फुल्ली ढेर ढेर लग चुका है। एक और साड़ी आती है जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत, ये है ये डार्क पिंक, ये डार्क, सो ये है वो साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये वर्ड बहुत बार बोल लिया आई थिंक। तो ये भी है नेट, लाइक हाफ नेट है, और इसे पहनने के बाद बहुत अच्छा गेटअप आता है। ये देखें, और आई थिंक ये बांधने वाली जगह है, मतलब ये नीचे आता है पार्ट और ये ऊपर आता है, तो ये कुछ इस तरह की है। नेक्स्ट साड़ी पे आई थिंक आपको ये साड़ी बहुत पसंद आएगी, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये साड़ी देखते साथ पसंद आई थी और मैंने अपनी मम्मी से बोला था आई थिंक शादी के टाइम पे, कुछ भी हो जाए मम्मी मुझे ये साड़ी चाहिए, मतलब चाहिए। और मुझे नहीं मालूम मैं क्यों, बट इस साड़ी को मैं ज़रूर थोड़ा सा ट्राई करके दिखाऊंगी। ये है ये साड़ी, इसका कलर, ओह माय गॉड, ब्लू स्काई ब्लू कलर के साथ लाइट स्काई ब्लू कलर है, मतलब ये थोड़ा ऑम्ब्रे प्रिंट में है। इसका जस्टिस तब होगा जब मैं इसे थोड़ा सा लगा के दिखाऊँ।
अभी आप ये साड़ी, ये कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इस साड़ी के साथ, इट्स जस्ट नॉट डूइंग जस्टिस। तो ये साड़ी मेरी फेवरेट है इन सब में से, और इसका जो ब्लाउज है, ये साड़ी पहनने के बहुत प्यारी लगती है, मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस साड़ी के लिए। फिर एक साड़ी मिसिंग है जो मुझे कहीं नहीं मिल रही है, और जब वो मिलेगी ना पता नहीं कहाँ मिलेगी। और वो साड़ी ऐसी है, वो पूरा क्या है, पिंक में पूरी मोतियों से जड़ी हुई है, मतलब पूरी इसमें मोती 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 हैं। उसे मैं ज़रूर, अगर मेरे को मिलती है वो साड़ी, कहाँ मेरे को लगता है सूटकेस में रखी है, और साड़ियों के साथ अगर वो साड़ी मुझे मिलती है तो वो साड़ी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर दो साड़ी ऐवे ही हैं, एक है ये ग्रीन और एक है ये, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम नहीं है क्योंकि ये नहीं, ये साड़ी साड़ी। सो ये है पूरा मेरा साड़ी कलेक्शन, और अब मुझे इन्हें जाके थै भी करना है, लाइक इन्हें फोल्ड करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और बताइए कि आपको मेरा साड़ी कलेक्शन कैसा लगा, मतलब कैसा लगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली व्लॉग्स आते हैं, आपको DIY मिलेगा, आपको हॉल्स मिलेंगे, आपको कलेक्शंस मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो कर सकते हैं आप, जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, 11 बजे 2 बजे डेली व्लॉग्स के साथ। माय फाइनल बाय।